सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। गाइस, सीबीएसई के रिजल्ट की डेट को लेकर कुछ उड़ती उड़ती खबरें आई हैं, और ये ऐसा भी नहीं है कि ऑफिशियल अपडेट नहीं है। मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ एक ऑफिशियल न्यूज चैनल के, इंडिया टुडे की, और यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि जो डेट शीट है वो कब आ सकती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है सीबीएसई 10th एंड 12th रिजल्ट 2023 एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर ऑन दिस डेट। कौन सी डेट को है पूरी बातें करेंगे, और ये भी देखेंगे कि क्या सच में उस डेट को डेट शीट आ सकती है या नहीं आ सकती है। और ये भी देखो, सारी चीजें पढ़ते हैं, पहले सबसे पहले नीचे आते हैं। यहां पर देखो एग्जैक्टली क्या चीजें लिखा हुआ है कि टोटल जितने बच्चों ने एग्जाम दिए हैं इस बार सीबीएसई के 10th एंड 12th दोनों को कंबाइन करके, टोटल 38 लाख स्टूडेंट ने जो इस बार एग्जाम दिए हैं, और वो वेट कर रहे हैं सीबीएसई के रिजल्ट का, जो कि एक्सपेक्टेड है आउट फॉर द सेकेंड वीक ऑफ द जून। सेकेंड वीक ऑफ जून में एक्सपेक्टेड है कि जो डेट शीट है वो कब आएगी, तो सेकेंड वीक ऑफ जून बोला जा रहा है। लेकिन बहुत जगह ऐसी भी बातें बताई जा रही है कि मई में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, और अंटिल अनलेस, ये देखो न्यूज की बात तो अलग है, होपफुली वाली बातें हैं, बट मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि आपका जो रिजल्ट है वो मई में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम ऑलरेडी मार्च के एंड में फिनिश हो चुका है। तो अप्रैल पूरा मिला, 1.5 महीने का टाइम गैप होता है जिसमें आपका रिजल्ट आता है, तो कहीं ना कहीं अप्रैल पूरा खत्म हो चुका है, और मार्च अप्रैल के बाद में वो भी 15 दिन के गैप में भी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड और थर्ड वीक में आपके रिजल्ट के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ मई में। लेकिन हाँ, फिर भी अगर न्यूज की माने तो सेकेंड वीक ऑफ जून में बेसिकली यहां पर लिखा जा रहा है कि डेट रिजल्ट आने की चांसेस हैं। अगर आप भी अपना रिजल्ट सबसे पहले चेक करना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है और वहां पर सर्च करना है सीबीएसई रिजल्ट 2023। सर्च करके जो लिस्ट आएगी उसमें ये स्काई ब्लू और येलो कलर वाले आइकन पर क्लिक करना है। ध्यान रखें कि इम्पॉर्टेंट एजुकेशन जरूर लिखा हो। अब बस इंस्टॉल पे क्लिक करना है और 5-स्टार रेटिंग के बाद एक अच्छा सा रिव्यू डालना है, और अब इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर 10th रिजल्ट 2023 और 12th रिजल्ट 2023 आएगा। आप जिस भी क्लास में हैं उस पर क्लिक कर लेना है। सपोज आप 10th में हैं तो 10th पे क्लिक करना है, और सीबीएसई के थ्रू जैसे ही रिजल्ट अपलोड होगा आप चेक रिजल्ट पर क्लिक करके अपना रिजल्ट सबसे पहले चेक कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रिजल्ट में, आरटी क्या है, कंपार्टमेंट कितने सब्जेक्ट्स में आएगी, कितने परसेंट पासिंग मार्क्स होना चाहिए, तो इन सब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर लिख सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है SURYA03151515। इंस्टाग्राम पे मुझे आप कोई भी हो मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, और वहां से जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आप लोगों की क्वेरीज को लेकर एक वीडियो बना दूंगा। और इस चैनल पे रेगुलर सीबीएसई की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक। लेकिन हाँ, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो, क्योंकि सारे बच्चे ही, जितने भी ये 38 लाख बच्चे, 38 लाख बच्चे जो हैं, ये बेसिकली रिजल्ट को लेकर काफी ज्यादा परेशान है कि रिजल्ट कब आएगा, और बहुत ही कंफ्यूजिंग रिजल्ट हो चुका है आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और सारी कंफ्यूजन मैं आप लोगों की दूर कर दूंगा अपने आने वाले वीडियो में। गाइस, तब तक के लिए गुड लक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।